ईद मुबारक भाई। छी सूफिया अमेजिंग। और ये है किट्टू पिट्टू छिट्टू लिट्टू। और आज की इफ्तारी बिल्कुल रमजान वाली वाइब आ रही है। का दिन जो कि काफी बड़ा माना जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम सबका रोजा था आज। तो बस अपना व्लॉग अब शुरू करते हैं एंड आई होप आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे तैयारियां शुरू हो गई हैं ईद की, और यहाँ पे पर्दे शर्दे भी आ चुके हैं नए, वो भी मम्मी ने डाल भी दिए। मम्मी ने सब कुछ मैचिंग रखा हुआ, तो मैं आपको घर का पूरा लुक कल दिखाऊंगी। और आप सभी को चांद मुबारक, और अल्लाह हम सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए जो भी कुर्बानी दे रहे हैं, और हमेशा खुश रखें। और हमारे नीचे इतने सारे बकरे, ऐसा लग रहा है बकरों की मंडी लग गई है। मैंने कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी है ईद की, बस एक नॉर्मल सा ड्रेस ऑर्डर किया था ऑनलाइन, क्योंकि मुझे ऑफलाइन कुछ समझ में नहीं आया। और मम्मी ने शीर कुरमा आप ने सब कुछ बनाने रख दिया, तो मैं आपको दिखाती हूँ प्रिपरेशंस ईद की। तो हम लोग जा रहे हैं अब मैं देखने। चलो चलो चलो, तो आप देख सकते हैं लिफ्ट का हाल। हाँ लिखने, हाँ चलो चलो, आज से वेट नहीं हो रहा है। 1, 2, 3 एंड 4। और मिली है हमारे प्यारे बकरों से किट्टू पिट्टू चिट्टू लिट्टू। तो हमारा बेचारा लिट्टू बीमार है, इसे कोल्ड हो गया, तो अभी इसको दवाई दी है। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो। तो मैं इनसे अभी ईद मिल लेती हूँ, क्योंकि जब तक मैं सुबह उठूँ इनसे ना मिल पाऊँ। और ये सब नहा धो के बड़े स्मार्ट लग रहे हो, आप लोग बहुत स्मार्ट लग रहे हो। आप सभी को ईद मुबारक इन एडवांस। और ये सब इनके दोस्त तैयार हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम लोग इंशाल्लाह जन्नत में मिलेंगे। और चिट्टू तो बहुत प्यारा है, बिल्कुल मेरी तरह है ना। और इनसे भी मिलिए, ये यहाँ की हेड है, और ये बहुत गुस्से वाली है, मतलब इनके पास हम नहीं जा सकते, अगर गए तो ऐसा फेंकेंगी सीधा बैंगलोर से बाहर। और ये भी आयत की तरह सूंघ सूंघ के खा रहा है, आयत भी पहले खाने से पहले सूंघती है फिर खाती है। और यहाँ पे तीन भाई भी आए, तो ये तीन भाई हैं। तो आप पिट्टू को कुछ खिलाते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे खिलाना, और पिट्टू को भी बड़ा मजा आ रहा है मेरे हाथों से खाते हुए। नाउ आई एम गोइंग बैक। आयत को मैंने नीचे छोड़ दिया क्योंकि उसे नहीं आना था, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं वापस घर पे। 2 मिनट चुप हो सकती हो? 2 मिनट। हाँ पूरा जोश आ गया आज। तो यहाँ पे अपनी मेहंदी लगवा रही हैं। अपनी हाउ आर फीलिंग, लाइक इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। टायर्ड स्लीपी। बी लाउडर। टायर्ड एंड स्लीपी। टेल मी योर एक्सपीरियंस, आई एम आस्किंग अबाउट मेहंदी। नाइस, मेरे अंदर इतने पेशेंस नहीं, मैं बैठ के लगवाऊं। ये छोटे फ्रेंड आए हमारे मेहंदी लगाने। मैंने वन डे सुना, आपने वन ईयर सुना, आपने बिल्कुल सही सुना। अरे यार मैं सब गिनती 1 महीना। ओहो नए पर्दे। अपी ने पहले से दही बड़े रेडी कर दिए कीमे के, और ये शीर खुरमा पक रहा है, और जो चाट है उसके लिए वाइट चने भिगो दिए, और ये हमारे गेस्ट के लिए। तो नाउ इट्स माय टर्न। और ये बच्चा पार्टी का कुछ अलग ही चल रहा है। जोड़ी दुल्हन छोटी आ रही है। तो मेहंदी लगवाने में काफ़ी पेशेंस चाहिए, जो कि मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं कोई इजी सा डिज़ाइन निकाल के लगवा रही हूँ। एंड इट्स डन। तो माशाल्लाह से हम अभी नहीं रेडी हुए, पर हमारा घर हमसे पहले रेडी हो चुका है, एंड बहुत प्यारा लग रहा है। एंड इट्स फजर टाइम, आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है। फैमिली वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग एंड अनदर डे। तो सबसे पहले आप सभी को ईद उल अदा मुबारक हो, और मे अल्लाह एक्सेप्ट ऑल आर सैक्रिफाइसेस। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बस रेडी होने वाला है, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ईद। अब
टप्पी आए और ये वाली चाट ना बने से बोलते हैं रगड़ा पेटीज। टप्पी के आने से हमारी ईद में चांद चांद लग गए एंड सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और ये है मम्मा का आउटफिट जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। मम्मी आप बहुत प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह। और ये उमर ने दिया, उमर ने दिया, बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। और अब भी यहाँ पे पिंक पिंक बनी हुई है, ये भी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। उल्लू अभी तक शो लाए मेरा प्रभुता। करेंगे ब्रेकफास्ट तो इट्स ऑलरेडी लेट, लंच टाइम हो रहा है, बट यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और सबने कर लिया, मैं ही रह गई थी क्योंकि नहाने धोने में इतना टाइम हो गया, सिर्फ अपने कामों में इतना टाइम हो गया मुझे। तो अब सुकून से ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में रेडी होके। बहुत मजेदार है। और अल्हम्दुलिल्लाह से कुर्बानी हो चुकी है और अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा कुछ नीडी पीपल्स में एंड रिलेटिव्स में। मम्मी पैकेट्स बना रही हैं। आज के दिन स्वीट्स नहीं गोश आता है। कितने पाले पाले शूज हैं आपके, अपना आज का लुक दिखाओ। तो दिस इज टुडेज लुक ऑफ आयत। तो आयत एंड अपी आर ट्विनिंग। राज भाई के लिए भेज देती पिंकी। यहाँ पे कलेजी भी तैयार हो गई है एंड इट्स लंच टाइम। के बाद कुछ रिलेटिव्स आए हैं तो मम्मा उनसे ईद मिल रही है। और कोई घर पे और मीठा ना खाए मतलब ईद पे तो ये हो नहीं सकता। तो मैंने खुद से पहले मेरे रूम को रेडी कर दिया। तो यार आई एम गेटिंग रेडी। तो टुडे आई एम वेयरिंग दिस झुमकास, द क्यूट क्यूट वन। आई ऑलवेज प्रेफर स्मॉल इयररिंग्स। And I got ready. आज का यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। मैंने स्टार्ट ही किया है, टेरेस पे हूँ मैं इस टाइम एंड आई गॉट रेडी। आज का आउटफिट है मैंने पूरा रेड पहना है। आप मेरी मेहंदी देख सकते हो, आगे तो गायब ही है पीछे ही लगाई है मैंने सिर्फ। फोटो वोटो क्लिक करेंगे देन सबसे पहले मैं आपको अपना पूरा आउटफिट दिखाती हूँ। फोटो शूट हो चुका है एंड थैंक्स टू देम। तो मीट माय टू छोटे छोटे से फ्रेंड्स, बहन जो भी बोलो। तो एक है ये शी सूफिया, थैंक यू सो मच। एंड एक और ये है इन्होंने, ये उन्होंने पता नहीं क्यों इतना शर्माती हैं लोग। इससे पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। Now we are going down. तो अब जाके मैं लंच करूँगी क्योंकि काफ़ी भूख लग रही है। फाइनली बिरयानी, स्पेशल बकरा ईद कबाब। ये क्या बनाया आपने? बकरा ईद के कबाब। तो ये बनाया मटन के कबाब, मम्मी ने बनाए हैं ये मटन के कबाब। देखो ये चिकन फ्राई होता है, ये है मटन फ्राई। आप जरा चुप होगी। तो हम ट्राई करेंगे बकरा ईद स्पेशल और बकरा का भी मटन कबाब खा के देखते हैं जो कि काफी मजेदार लग रहे हैं। अब इसमें हम इसको इसमें डिप करेंगे। अरे भैया पर्दा आ जाएगा, आज ही जोड़ा है मुल्ले, छोड़ो छोड़ो सर पे गिर जाएगा। काफी मजे के बने हैं। तो बकरी शुरू मतलब हो गई, अब मटन का सीजन शुरू हो गया। आपको कबाब नलियां पाए ये सब खाने को मिलेगा और इनकी मस्ती हमेशा ऑन रहती है। हम लोग जब नीचे गए थे बकरे जुबा हो रहे थे तो हम लोग नीचे गए थे तो वहाँ पे गाय भी खड़ी हुई थी। तो मतलब बकरे लाइन बाई लाइन आते जैसे असेंबली में हम लोग खड़ते हैं ना, एक पीछे एक आते, तो वैसे बेचारे बकरे आ रहे थे। तो वहाँ पे गाय भी खड़ी थी, वो इंतजार कर रही थी। तो जब हम मतलब मैंने उसको ऐसे देखा तो मुझे वो ऐसे ही देख रही, मुझे नहीं मुझे सबको ही ऐसे देख रही। तो मुझे उसे देख के पता क्या लगा, आना मत मार दूंगी। मुझे एकदम खौफ सा आ गया दिल पे। ये फ्रेंड आए हैं ईद पे, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब बोलते हैं आप बट सब्सक्राइब नहीं करते, बड़े जिद्दी हो आप लोग। तो काफी थक गया इन, ये भी हैं इधर ही। इनको मैडम को अब फुर्सत मिली है पूरे दिन के बाद, अब आई है मुझसे मिलने के लिए। मैं तुमसे नाराज हूँ, सो गई थी इसलिए मैं आ नहीं पाई। फिर भी कोई बात नहीं, ईद मुबारक। नहीं खैर मुबारक और आप सबको भी। और बकरा खाया? नहीं एक्चुअली। तो ये भी वेजिटेरियन है तो हाँ मैं भी हूँ थोड़ी बहुत, बट मैं थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ, बकरा मतलब बुरा मान जाएगा इसलिए उसको खा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। जो भी कुर्बानी कराते हैं मतलब ये एक ऐसा जानवर है जो हमें जन्नत तक लेके जाएगा। तो अल्लाह हम सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आमीन। रैबिट
मेरे हाथों में नौ 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 तो नहीं बारह बारह चूड़ियां है, जरा ठहरो सजन भी धूरियां है। ओ वाह, आई शेडो भी लगाया आपके तो, किसे लगाया? मम्मा ने। मामा ने, आप तो बड़े प्यारे लग रहे हो। कुछ कुछ ईद मुबारक आपको भी। बकरे कहाँ गए? कट गए। आपने देखा कटते हुए? की तलब से ईद मुबारक। तो गाइज मेरा एक और ड्रेस है, बट मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही मतलब चेंज करने की, तो आप बस अब कल पहनेंगे। तो ये व्लॉग मैं इधर ही पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा। अभी सब पता है क्या कर रहे होंगे, सब अपने घर पे सो रहे होंगे, तो इसलिए मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ, क्योंकि ईद में काफ़ी थकान हो जाती है, स्पेशली ये ईद में तो बहुत ही ज़्यादा। भाई मुझे तो कोई काम नहीं है, मैं तो मुफ्त इंसान हूँ अभी तो। व्लॉग व्लॉग शूट करती हूँ ना, ये भी एक मेहनत, मतलब बहुत मेहनत लगती है, और जब आप लोग इस पर प्यार देते हैं ना, तो ऐसा लगता है हमारी मेहनत वसूल हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। तो गाइज आई एम एंडिंग माई व्लॉग हियर, एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो मेरा ईद का व्लॉग। यार मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।